हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यहाँ स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। हम लोगों ने पहले एक कंपैरिजन वीडियो निकाला था जिसमें हमने सिर्फ पीपीपी मोड के कॉलेजेस, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉलेजेस जो चलती हैं, जिसको हम लोग बेसिकली सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस बोलते हैं झारखंड में, तो उन तीन कॉलेजेस जैसे चाईबासा, रामगढ़ और दुमका के तीनों कॉलेजेस के हमने कंपैरिजन वीडियो निकाले थे। तो उसी में हमने बताया था कि हम लोग एक कंपैरिजन वीडियो निकालेंगे जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में होगा और एक कंपैरिजन वीडियो आएगी इसके बाद जब प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में होगा। इससे पहले हमने बीटेक फर्स्ट ईयर की फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग वीडियो और एडमिशन प्रोसेस और सारी अलॉटमेंट लिस्ट की बताई। फिर हमने D2D की भी बताई, जो लैटरल एंट्री है। तो ये सब चीज़ें हमने वीडियोज़ लगातार बनाते आया। पॉलिटेक्निक के लिए हमने बताया था और बाकी, और हमने एक इंटरव्यू भी अभी कुछ दिन पहले ही हमने रिलीज़ किया जिसमें D2D 2023 के तारिक हुसैन के बारे में हमने बताया कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, उनका CML रैंक क्या था। तो D2D वाले बच्चे के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज़ काइंडली शेयर दीज वीडियोज़। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के लिए, आई होप आप लोग जुड़े हुए होंगे, तो हम लोग रेगुलरली गूगल मीट सेशंस भी करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग के लिए वन टू वन कन्फ्यूजन हम लोग दूर कर सके सामने से। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और कोई भी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन बीटे कॉलेज रिव्यूज़ और बाकी सब कॉलेजेस के रिव्यूज़ देख सकते हैं। भले कॉलेज रिव्यूज़ पुराने हैं, 3 साल पुराने, 2 साल पुराने, 1 साल पुराने, बट आई ट्रस्ट यू, मैं आपको बताता हूँ, ट्रस्ट मी कि वो सारे वीडियो जो भी है ना, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई, आज तक कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। ना कि उनके फीस स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं, ना ही उनके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स, नथिंग कुछ। जो भी प्लेसमेंट्स के चीज़ें चेंज हुए उस वक्त, जो मैंने वीडियोज़ में बोला वही वीडियोज़, वो जो भी फैक्ट्स है वो आज भी उसी तरह से खड़े उतरते हैं। तो अभी मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो झारखंड में, जो JSS भी काउंसलिंग के अंडर आपको देखने को मिलेगी, एक वीडियो जो हमने बहुत लंबे टाइम से सोच के रखा है कि जिसको अपलोड करेंगे, अपलोड है, बस वो पोस्ट नहीं किया गया, पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि वो अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार काउंसलिंग खत्म हो जाए, फिर कोई कैंडिडेट जिनके लिए JSS काउंसलिंग के बाहर अगर किसी को कोई एडमिशन लेना होगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में, तो वीडियो उसके लिए बनी हुई, तो पहले से बनी हुई है। हम लोग बस समय खोज रहे हैं कि किस बीच में हम लोग डाला जाए, क्योंकि काउंसलिंग के बीच में अगर आप डालेंगे तो हो सकता है आप काउंसलिंग पर फुल फोकस ना हो, बट आई विल मेक श्योर कि इसी वीक आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो JSS काउंसलिंग के अंदर आते हैं, और इसके अलावा भी कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं नहीं इंजीनियरिंग के झारखंड में। सबसे पहली ऑब्वियस सी बात है BIT सिंधरी धनबाद। फिर दूसरी जो नई बन के आई है 2 साल के अंदर, GEC पलामू, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में बनी है। और तीसरी कॉलेज जो है यूसेट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंडर में बनी हुई है। BIT सिंधरी की आपकी कॉलेज रिव्यू मिल जाएगी, जो सबसे पहला कॉलेज रिव्यू हमने किसी कॉलेज का बनाया था अपने चैनल में जब स्टार्ट किया था, तो वो BIT सिंधरी थी। फिर उसके बाद यूसेट से मैं खुद पढ़ के निकला, तो यूसेट से जब मैं पढ़ के निकला तब मैंने वहाँ की कॉलेज रिव्यू बनाई। तो वो दोनों कॉलेज रिव्यूज़ आपको बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। ऐसे आप हमारे चैनल में वीडियोज़ में भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। और उन वीडियोज़ को देखिए, उसमें हमने प्लेसमेंट्स के बारे में, BIT सिंधरी के बारे में, यूसेट के बारे में हमने बताया था कि क्या है फीस स्ट्रक्चर से इवन प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स और प्लेसमेंट्स के बारे में सच्चाई और प्लेसमेंट्स कितने होते हैं नहीं होते हैं, तो उन सब के बारे में बताया था हमने। तो उसमें कोई भी हमने झूठ बात नहीं बताया था, एकदम एक्यूरेट बात बताया था, और वही एक्यूरेट बात अभी तक भी सही बैठती है, चाहे वो BIT सिंधरी के लिए हो चाहे यूसेट के लिए हो। जहां तक बात आती है GC पलामू के लिए हमने क्यों नहीं बनाया अभी तक, तो इसकी मैं रीजन आपको यही बोलूंगा, क्योंकि अभी कॉलेज नया है, अभी तक इनका पहला बैच नहीं निकला। तो मैं कॉलेज रिव्यू में क्या आपको बताऊंगा, सिर्फ फीस स्ट्रक्चर, सिर्फ कॉलेज कहाँ पे है, कौन से ब्रांचेस है, दैट्स इट। क्योंकि ना फैकल्टीज के बारे में पता है, क्योंकि वो तो तभी पता चलेंगी जब आप कोई पहला बैच पास आउट होगा, तो अभी तक नहीं हुआ है, तो जब होगा तो उसके ऊपर वीडियोज आएंगी। अभी कोई अगर आपको कॉलेज भी बताता है तो मुझे नहीं पता क्यों, कितना सच्चाई होगा कितना झूठ होगा, क्योंकि अभी सिर्फ एजम्पशंस हैं, वो सिर्फ अभी काल्पनिक चीजें हैं, क्या होंगी वो एक बैच निकलने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए, और फीस स्ट्रक्चर पे तो हमने वीडियो बना ही दिया है कि कौन से कॉलेजेस के क्या फीस स्ट्रक्चर है JSSB के काउंसलिंग के अंदर, तो वो वीडियो सेपरेट है, आप जाकर उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको फीस स्ट्रक्चर तो ऐसे ही पता चल जाएगा जीसी पलामू के लिए। प्लस एडमिशन प्रोसेस के लिए टाइम भी हमने बता दिया था कि किस कॉलेज का कितना फीस देना है, तो वो सब चीजें हैं। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन प्रोसेस तो भाई वही होगी, तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो तीनों आपको JSSB काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। चाहे आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो JEE मेंस के बेसिस पर जो स्टेट मेरिट लिस्ट बनती है उसमें नाम लाइए, अभी मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए बन रही है, 30 तारीख को वो आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपको बीटेक लैटरल एंट्री में एडमिशन लेना है तो D2D के एग्जामिनेशन देने होंगे, जिसका नाम है इंजीनियरिंग एंट्रेंस कंपिटेटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री, वो हर साल होती है भाई, उसके लिए फॉर्म फिलअप करिए, उसको एग्जामिनेशन दीजिए, फिर क्वालिफाई करके, क्वालिफाई क्या करना है इसमें कोई कट ऑफ नहीं होता, उसके बारे में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ D2D इन झारखंड का, उसको आप चेक कर लीजिएगा बीटेक लैटरल इंट्री में अगर आपको एडमिशंस लेना है। तो वो सब चीजें, बहुत सारे हमने इंटरव्यू अच्छे स्टूडेंट्स का लिया है जिन्होंने अच्छे रैंकर्स लेके आए, तो उन सबका हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, ताकि आप एक बेहतर तरीके से जान सके कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना, कहां से स्टार्ट करना, क्या पढ़ने हैं, कौन सी चीजों को स्किप मारना है, कौन सी चीजों से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, तो वो सब इंटरव्यूज में आपको देखने मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भी हमने निकाला, 2021 के टॉपर्स के साथ भी हमने निकाला था, तो अभी हम लोग 2023 के बच्चों के साथ सीरीज वो रिकॉर्ड कर रहे हैं।
फिर उसके बाद बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर हमने फीस स्ट्रक्चर वाली वीडियो बता दिया कि बीआईटी सिंधरी की कितनी फीस स्ट्रक्चर है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, लेटरल एंट्री वालों के लिए जीसी पलामू का बता दिया, यूसेट हजारीबाग का हमने बता दिया। यूसेट हजारीबाग के बारे में बहुत लोगों का कि हॉस्टल कहाँ पे है, कॉलेजेस कहाँ, तो उसकी कॉलेज रिव्यू देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड करके यूसेट हजारीबाग की, आपको पता चल जाएगी कि उसकी फीस स्ट्रक्चर कितनी है, प्लेसमेंट्स कितनी सही है, प्लेसमेंट्स के बारे में जो हमने बोला था वो सच है कि झूठ है वो आपको समझ में आ जाएगी कॉलेज रिव्यू के साथ भी। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर पर नहीं आते। कॉलेज एंड टेक फेस्ट, अभी तो जीसी पलामू का भी कुछ नहीं होता है मुझे जहाँ तक पता है, होता होगा तो हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट यूसेट हजारीबाग में ऐसा कोई टेक फेस्ट और कोई कॉलेज फेस्ट नाम का कोई चीज़ नहीं होता, बस छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है। एक आध बार हुआ था शायद मेरे टाइम पे 2022 में जब शायद मैं फाइनल ईयर में था, तो मे बी शायद वो कुछ एक मेला टाइप का कुछ छोटा सा लगा था, आई गेस सम काइंड ऑफ अ कॉलेज फेस्ट बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बीएटी सिंधरी में तो बाकायदा ये चीज़ें होती हैं, कॉलेज फेस्ट और टेक फेस्ट होती हैं, तो आप कॉलेज रिव्यू में देख सकते हैं या इनके वेबसाइट में भी जाकर आप एक बार चेक कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स पर अगर मैं बात करूंगा तो बीएटी सिंधरी में भाई प्लेसमेंट्स होते हैं, तो बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए भाई बड़ी बात है, तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स आते हैं। बहुत पुरानी कॉलेज है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है भाई झारखंड की, 1949 से बनी हुई कॉलेज है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनका ब्रांड वैल्यू भी बहुत तगड़ा है। जीसी पलामू के अभी प्लेसमेंट्स कुछ बोला नहीं जा सकता है क्योंकि अभी तो नया बैच भी नहीं निकला है, तो जब फाइनल ईयर में बच्चे जाएंगे तो देखा जाएगा उनका, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। यूसेट हजारीबाग की मैंने प्लेसमेंट पर क्लियरली बोला था कि वहां जितने भी कैंडिडेट्स हैं वहां कोई ऑन कैंपस कंपनीज अभी तक तो नहीं आती है। आई होप, मैं चाहता हूं कि वो आए, मैं ये नहीं, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं कि भाई नहीं आती है, ये है वो है, भाई आनी चाहिए। अगर यूसेट हजारीबाग में भी कॉलेजेस में कंपनियां आएंगी तो बहुत मुझे सच में बहुत खुशी होगा, क्योंकि मैं खुद वहां से पास आउट हूं, मुझे जो भी जॉब लगी मैं ऑफ कैंपस निकाला हूं, खुद से मैंने कंपनीज का फॉर्म भरा, इंटरव्यूज निकाले, एग्जामिनेशन उसका क्रैक किया, देन आई जॉइन इट। तो ये चीज़ें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, और ऑन कैंपस में कंपनियां खुद आती हैं, तो वो बीआईटी सिंधरी में होती हैं। ठीक है, तो यूसेट का भाई मैंने रियलिटी आपको बता दिया कि भाई ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स वहाँ नहीं आते, वहाँ ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट्स आते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको कोशिश किया है कि 7-8 मिनट के अंदर आपको समअप करके मैं दिखा सकूं कि भाई यूसेट हजारीबाग का प्लेसमेंट्स क्या है। फीस स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया है भाई फीस स्ट्रक्चर वाले वीडियो में, तो वो छोटी सी वीडियो फीस स्ट्रक्चर वाली प्लीज आप उसे देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होंगे, आई होप आप लोग बीटेक कॉलेज रिव्यूज के कॉलेजेस देखे होंगे, आपने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की वीडियो देखी होगी भाई, आपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखा होगा, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में जो भी इशूज होगा आपने के क्लियर आउट कर लिया। आई होप अगर आगे कोई गूगल मीट सेशन होगा तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी हमारे वीडियोज को प्लीज शेयर आउट करिए, प्लीज लाइक करिए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोज बनाने के लिए इतने टाइट शेड्यूल में भी। तो मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस डे, बाय।